देखो जब उनको बॉल देंगे और नीचे गिर जाएगी तो तुम आउट हो जाओगे। बच्चों तुम लोग गेंद को इधर उधर क्यों लड़का रहे हो? दीदी हम गेंद पे खेल रहे हैं। क्या तुम लोग जानते हो ये किस अवस्था में है? दीदी ये गति कर रही है। गति कर रही है। आज हम लोग गति के विषय में चर्चा करेंगे। तो आप लोग जानते हैं गतिमान वस्तुओं में क्या होता है? नहीं दीदी हम नहीं जानते हैं। गतिमान वस्तुओं में वस्तु की स्थिति में स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। जैसे ये गेंद यहाँ पे रखी हुई है, अब अभी तो ये किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में। अगर अब इसको हम धक्का दे देते हैं हल्का सा, तो ये किस अवस्था में आ गई? गतिमान अवस्था में आ गई। तो गतिमान अवस्था में क्या होता है, तुम बताओ क्या होता है? गतिमान अवस्था में वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। जैसे ये पेन रखा हुआ है, ये कौन सी अवस्था में रखा हुआ है? विरामावस्था में रखा हुआ है। विरामावस्था में क्या होता है तुम लोग जानते हो? जब वस्तु एक ही जगह पर रखी जाए, जब तक उसको एक जगह से दूसरी जगह ना उठा के रखा जाए, तो उसे विरामावस्था कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बताया तुमने। विरामावस्था में वस्तु की स्थिति में स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये गेंद भी अभी कैसी है? विरामावस्था में रखी हुई है। हाँ दीदी, और अभी तो ये विरामावस्था में, अगर हम इसको हल्का सा धक्का दे दें, ऐसे कर दें, तो ये किस अवस्था में? गतिमान अवस्था में। इसकी स्थिति यहाँ से होके बदल के यहाँ आ गई, तो इसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए गतिमान अवस्था और विरामावस्था क्या होती है? हाँ दीदी। तो आप लोग बता सकते हैं विरामावस्था में क्या होता है? विरामावस्था में वस्तु के साथ समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बताया। और गतिमान अवस्था में क्या होता है बता सकते हो? हाँ तुम बताओ अभिषेक। गतिमान अवस्था में वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है। किसी वस्तु की गतिमान अवस्था में वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, जबकि विरामावस्था में वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, गति के प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे। हाँ दीदी। तो गतियों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, कौन सी गति पढ़ेंगे? सरल रेखीय गति। तो बच्चों अगर हम ये गेंद है, ये अभी इसको हम ऊपर से नीचे गिराते हैं, ऐसे गिराया, तो ये किस रेखा में गति कर रही है? सीधी रेखा में गति कर रही है। ये ए स्थिति से बी स्थिति में आ गई। गति करती हुई वस्तु जब सरल रेखा में गति करती है, तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय गति में तुम लोग देखो कैसे गेंद ए इस स्थिति से थी, उसको नीचे गिराया तो वो आ गई बी स्थिति में, ए स्थिति से बी स्थिति में आ गई। और ये सरल रेखा में गिरती है, सरल रेखा में गति करते हुए वस्तु नीचे आ जाती है। तो इस तरह की जब गति होती है, तो इसे सरल रेखीय गति कहते हैं। अब बच्चों स्थानांतरी गति। स्थानांतरी गति में क्या होता है, जब वस्तु गति करती हुई समान समय में समान दूरी तय करती है। जब समान समय में समान दूरी तय करते हैं तो वस्तु की गति स्थानांतरी गति कहलाती है। जैसे सड़क पे कार चलती है, तो वो कभी यहाँ पे है, उतने कुछ एक सेकंड बाद वो यहाँ पे पहुंच गई, फिर एक सेकंड बाद वो यहाँ पे पहुंच गई। तो समान समय में वो क्या है, समान दूरी तय करती है, या समान समय में समान उसका स्थानांतरण होता है। तो इस तरह की गति को स्थानांतरी गति कहते हैं। तो आप लोग समझ गए स्थानांतरी गति में क्या होता है? स्थानांतरी गति में वस्तु कोई बात नहीं, तुम बताओ क्या होता है स्थानांतरी गति में? किसी वस्तु, कोई वस्तु समान गति, चलो मैं बताती हूँ। समान समय में समान दूरी जब वस्तु तय करती है, तो इस तरह की गति को स्थानांतरी गति कहते हैं। हाँ समझ में आ गया तुम लोगों को? हाँ दीदी। अब तुम लोग बच्चों, तुम लोगों ने गुब्बारों को उड़ते हुए देखा है? हाँ दीदी। कैसे वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति करता है, कभी वो यहाँ उड़ रहा है, फिर कभी इधर इधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है। तो उसकी दिशा जो है निश्चित नहीं होती है, कोई एक दिशा में गति नहीं करता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में कभी इधर गया कभी उधर गया। टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति अनियमित गति होती है, इसमें वस्तु की गति की दिशा लगातार बदलती रहती है।
तो तुम लोग कोई उदाहरण बता सकते हो अनियमित गति का? हाँ दीदी। हाँ तो तुम बताओ आदित्य। फूल पर मंडराते हुए भंवरों की गति। हाँ बिल्कुल सही बताया। और तुम कोई बता सकती हो? फूलों पर उड़ती हुई तितलियों की गति। तितलियों की गति भी अनियमित गति होती है। गुब्बारे की गति अनियमित गति होती है। जो आकाश में पतंगे उड़ती हैं, उनकी गति भी अनियमित गति होती है। अनियमित गति में क्या होता है? जब कोई वस्तु उसकी गतिमा कोई गतिमान दिशा ना हो, उस गति को अनियमित गति कहते हैं। हाँ सही बताया। अनियमित गति में टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति अनियमित गति होती है। इसमें वस्तु की गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। अब बच्चों तुम लोग अनियमित गति अच्छी तरह समझ गए होगे? हाँ दीदी। हाँ अब हम लोग वृत्ति गति के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे क्या होती है वृत्ति गति। तो ये एक जो है ठोस चीज है, इसमें धागा बांध लिया। अभी ये किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में। हाँ अभी ये स्थिर अवस्था में है। अब इसको जो है हम घुमाते हैं इस तरह से। तो आदित्य तुम बताओ ये कैसा किस अवस्था में आ गई अब? हाँ दीदी ये गोली पथ पर किस अवस्था में आ गई है? घूम रही गोलाकार ये घूम रही है। हाँ और इसका पथ कैसा है? तुम गोलाकार पथ है। गोलाकार पथ है। तो जब वह गति जिसमें वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है वृत्ति गति कहलाती है। और उदाहरण इसके हैं जैसे सूरज के तार चारों ओर पृथ्वी घूमती है, तो उस तरह की गति को क्या कहते हैं? वृत्ति गति कहते हैं। और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, तो ये भी वृत्ति गति का उदाहरण है। इसमें पृथ्वी में दो तरह की गतियां होती है, एक तो वो सूरज के चारों ओर घूमती है। सूरज के चारों ओर घूम रही है तो उसकी कौन सी गति हो रही है? वृत्ति गति हो रही है। और वो जो है अपनी कीली पे भी घूमती रहती है, तो कीली पे घूमती है तो उस तरह की गति को घूर्णन गति कहते हैं। और जो है घूर्णन गति का और उदाहरण तुम लोग जानते हो? कोई लोग बता सकते हो? हाँ दीदी फिरकी। फिरकी में भी घूर्णन गति होती है। और कोई उदाहरण? हाँ दीदी पंखा। घरों में जो पंखे लगे होते हैं वो भी अपनी कीली पे या धुरी पे घूमते रहते हैं, तो इसमें भी घूर्णन गति होती है। तुम लोग अच्छी तरह समझ गए? हाँ दीदी कि घूर्णन गति क्या होती है और वृत्ति गति क्या होती है। हाँ दीदी बता सकते हो? हाँ दीदी बताओ वृत्ति गति क्या होती है। वृत्ति गति में वस्तु अपने एक बिंदु के वृत्ताकार पथ पर घूमती रहती है। जो स्थिर बिंदु होता है उसके चारों ओर घूमती रहती है। हाँ बिल्कुल सही, वृत्ति गति कहते हैं। बिल्कुल सही बताया। और तुम लोग बताओ घूर्णन गति, तुम बताओ। घूर्णन गति में वस्तु अपनी धुरी के चारों ओर घूमती रहती है। नहीं ये तुम लोग चलो मैं बताती हूँ कैसे होती घूर्णन गति। वो अपनी कीली पे जैसे ये है धुरी भी कहते हैं इसको, कीली भी कहते हैं, इस पे चारों ओर इस तरह से गति करती रहती है। जैसे पंखे में आप लोगों ने घर में देखा होगा वो अपनी उस पे धुरी पे घूमता रहता है। तो उस तरह की जो गति होती है इसको घूर्णन गति कहते हैं। और घूर्णन गति की आप लोगों ने चरखा देखा होगा। दीदी चरखा। तो इसको जो चरखे की गति होती है वो भी घूर्णन गति कहते हैं उसको। वृत्ति गति वह गति जिसमें वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है वृत्ति गति कहलाती है। और जब वस्तु अपनी धुरी पर घूमती रहती है तो ऐसी गति को घूर्णन गति कहते हैं। बिल्कुल सही। बच्चों अब हम लोग दोलन गति के बारे में, तुम लोग वृत्ति गति और घूर्णन गति अच्छी तरह से समझ गए? हाँ दीदी। अच्छा दोलन गति। दोलन गति में यह है एक ठोस चीज हम लेते हैं, ठोस चीज, और इसमें एक धागा बांध लिया। तो धागा अभी तो ये कैसे है? स्थिर अवस्था में है, विरामावस्था भी कहते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे? एक तरफ खींच कर, ये इसकी माध्य स्थिति है। माध्य स्थिति से इसको एक तरफ खींचते हैं। खींच के क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अब क्या हो रहा है? जो इसकी मात स्थिति थी उसके दोनों ओर ये बराबर जितनी दूरी ये माध्य स्थिति के इधर जा रही है उतनी ही माध्य स्थिति के उधर जा रही है। तो इस तरह की जो गति होती है उसको दोलन गति कहते हैं। इसमें चित्र में तुम लोग देखो ये धागा बना हुआ है और ये पेंडुलम है। पेंडुलम को इस तरह से यहाँ से खींच के बी स्थिति पे लाते हैं, उसके बाद इसको छोड़ देते हैं। छोड़ने पे क्या होता है? ये यहाँ से यहाँ वापस आती है। वापस आने के बाद ये माध्य स्थिति है, माध्य स्थिति से ये वापस सी पे चली जाती है, इधर आ जाती है। फिर क्या होता है? ये सी से ए पर आती है, ए से बी पर आ जाती है।
तो ये माध्य स्थिति ए है, इसके दोनों ओर सी और बी इधर उधर गति करने लगती है। तो जब इस तरह की गति होती है तो उसको दोलन गति कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। दीदी अच्छा, जब हम किसी ट्रेन पर यात्रा करते हैं और जब हम उसमें बैठे होते हैं तो हमको ये क्यों मालूम महसूस पड़ता है कि पेड़ चल रहे हैं, हम नहीं चल रहे हैं बल्कि पेड़ चल रहे हैं? हाँ, इसमें जो है हम लोग जब ट्रेन पर बैठे होते हैं तो उसमें हम लोग स्थिर अवस्था में होते हैं और ट्रेन जो है गतिमान अवस्था में होती है, तो उस स्थिर अवस्था के सापेक्ष ट्रेन गतिमान अवस्था में है, लेकिन बाहर के जो पेड़ हैं वो जो पेड़ के सापेक्ष जो ट्रेन है वो गतिमान अवस्था में है, इसलिए हमें ये लगता है कि ये पेड़ ही चल रहे हैं। समझ गए? हाँ दीदी। अब तुम लोग, आज तुम लोग को गति पढ़ा और गति के प्रकार के बारे में पढ़ा। हाँ दीदी। तो तुम लोग समझा सकते हो गति क्या होती है? हाँ दीदी। हाँ बताओ। जब कोई वस्तु किसी इधर किसी भी दिशा में जाती है तो उसे गति कहते हैं। जब वस्तु दिशा में परिवर्तन होता रहता है तो उसको गति कहते हैं। आप जो है विरामावस्था भी जान गए होगे तुम लोग। हाँ दीदी। क्या होता है विरामावस्था में? वस्तु के साथ समय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और गति के प्रकार तुम लोगों के पढ़ाए तो इसमें कोई एक उदाहरण बताओ। हाँ, दोलन गति। हाँ, इसको समझाओ क्या होता है दोलन गति में हम किसी एक माध्य स्थिति से कोई ठोस चीज लेकर अपनी तरफ खींचते हैं, उसके बाद हम उसको जब छोड़ते हैं तो वह माध्य स्थिति से अपने दोनों तरफ बराबर दोनों बिंदुओं पर जाकर गति करती है। हाँ, तो उसे दोलन गति कहते हैं। कुछ सही, बहुत अच्छा बताया। और इसका कोई उदाहरण बता सकते हो? हाँ दीदी, घड़ी में पेंडुलम की गति। घड़ी में पेंडुलम होता है, वो ऐसे ऐसे दोलन करता है। हाँ, ना अपनी माध्य स्थिति को, उसमें भी दोलन गति होती है। और तुम बताओ विषय वृत्ति गति। हाँ, उसको समझाओ। वृत्ति गति जैसे कोई भी चीज एक बिंदु के चारों ओर घूमती है उसे वृत्ति गति कहते हैं। वृत्तिगत में वस्तु स्थिर बिंदु के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमती है। और इसका उदाहरण तुम बता सकते हो? पृथ्वी के चारों ओर घूमते चंद्रमा की गति भी वृत्ति गति होती है। और तुम बता सकते हो इसका कोई दूसरा उदाहरण? हाँ दीदी, सूर्य के चारों ओर घूमते हुए पृथ्वी की गति, ठीक है, घूर्णन गति। समझाओ इसको कैसे होती है घूर्णन गति? घूर्णन गति में वस्तु अपनी धुरी पे घूमती रहती है, इसे घूर्णन गति कहते हैं। इसका कोई उदाहरण बताओ? पृथ्वी का अपनी धुरी पे घूमना। पृथ्वी का अपनी धुरी पे घूमना। और तुम बताओ कोई गति, एक गति का उदाहरण बताओ? सरल रेखीय गति। बताओ क्या होता है सरल रेखीय गति? सरल रेखीय गति में एक चीज को ऊपर से छोड़ते तो नीचे सीधे ही जाती है। एक सरल रेखा में गति करती है। इसका कोई उदाहरण बताओ? पेड़ से गिरता हुआ फल, ट्रेन, सड़क पे चलती हुई ट्रेन, मोटर कार, इन सब में सरल रेखीय गति होती है। और स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति में वस्तु के साथ समान समय में समान परिवर्तन होता है। वस्तु जो है समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे स्थानांतरीय गति कहते हैं। हाँ, अनियमित गति कौन बताएगा? अनियमित गति में वस्तु की कोई गतिमान दिशा नहीं होती है, वह अपनी टेढ़ी मेढ़ी दिशा में घूमती है। इस गति लगातार बदलती रहती, उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। इस गति को अनियमित गति कहते हैं। हाँ, इस गति को अनियमित। इसका कोई उदाहरण बता सकते हो? हाँ दीदी, हवा में उड़ते मच्छर। मच्छरों की गति भी अनियमित गति होती है। और बताओ? हवा में उड़ते हुए गुब्बारे की गति। आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की गति। पक्षियों की गति। और बताओ अनियमित गति? आकाश में उड़ते हुए पतंग की गति। पतंग की गति। फूलों पे जो भौरे मंडराते रहते हैं वो भी अनियमित गति होती है। कोई एक निश्चित दिशा नहीं होती है। हाँ, और गुब्बारों तो जानते हो गुब्बारे इधर उधर उड़ते रहते हैं, ये भी अनियमित गति होती है। और कोई गति? सभी गतियाँ हो गई। सब लोग अच्छी तरह से समझ गए क्या होती है गति? हाँ दीदी।